हेलो बच्चों, हाउ आर यू डूइंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडिशन विद विकास। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि किन्हीं भी वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और उनका हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो एक बार हम पिछले लेक्चर को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब किन्हीं भी दो वेक्टर जो ए और बी है, उनका जो हमारा एडिशन होता है बेटा, वो क्या होता है? R इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, और उनका जो सब्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है बेटा? R इज इक्वल टू, R वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर। अब ये जो a प्लस बी है, इसका मतलब यहां पर हमारा एडिशन हो रहा है और a माइनस बी वो हो रहा है सब्ट्रैक्शन। देखिए, ये है हमारा वेक्टर्स का एडिशन और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, जो कि हमने पैरेललोग्राम मेथड से सीखा था, तो हम उसे निकालते हैं कि उसका मोड लगा देते हैं, अर्थात a प्लस बी का मोड। और जब आप इसे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो हो जाता है फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर और उनके बीच का एंगल। ठीक है बेटा, इस तरह से। और देखिए, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मोड होता है वो स्केलर बन जाता है, यानी उसमें से हमारी डायरेक्शन जो हो जाती है वो खत्म हो जाती है। इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो वो कितना हो जाएगा? ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, यानी इसको हम मोड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मोड होता है बेटा, वो होता है स्केलर। और हम किस तरह से निकालते हैं? अंडर रूट लगाएंगे, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर, और बीच में यहां पर हम माइनस लगा देंगे, माइनस के टू ए बी और कॉस थीटा। और ये जो थीटा होता है वो इन दोनों वेक्टर्स का इंक्लाइनेशन एंगल होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे से कितने पर झुके हुए हैं, कितने पर झुके हुए नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से आपको समझने हैं। ठीक है बच्चा, देखिए मैं न्यूमेरिकल उतारता हूं, नोट करता हूं बोर्ड पर, और आप देखिए जरा कैसे करते हैं। तो पहला, अगर मैं न्यूमेरिकल लिखूं, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन आर इंक्लाइन एट 90 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। यानी बेटा क्या है, ये हमको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि हमारे किसी पार्टिकल पे या किसी बॉडी पे दो फोर्स जो है एक्ट हो रहे हैं। कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं? दो। अब पहले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 30 न्यूटन है और सेकंड जो हमारा फोर्स है उसका 40 न्यूटन है, और वो दोनों फोर्स जो है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे से एक्ट हो रहे हैं। तब हमें उनका क्या बताना है बच्चों? रिजल्टेंट बनाना है, बताना है आपको। चलिए देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कि आपको क्या क्या गिवन है न्यूमेरिकल में और क्या क्या गिवन नहीं है। तो बच्चों देखो, फोर्स जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उसने ये बोल दिया कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी उन्होंने फोर्स को ऐसे वेक्टर नहीं बताया है, ऐसे स्केलर बताया है। क्योंकि देखिए 30 उसकी क्या है? वैल्यू है, और n केवल उसका यूनिट है, यानी यहां पर डायरेक्शन का जिक्र नहीं हुआ है। इसका मतलब देखिए ये कैसे है, अगर मान लो पहला वेक्टर f1 है तो f1 का मैग्नीट्यूड हमको कितना दिया हुआ बेटा? 30 न्यूटन, जिसको हम f1 बोल देते हैं इस तरह से। यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी, देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी और इसका मोड, किसी वेक्टर क्वांटिटी का जो मोड होता है वो स्केलर होता है। इसी प्रकार f2 वेक्टर का भी मोड दिया हुआ है कितना बेटा? 40 न्यूटन। अब किसी वेक्टर क्वांटिटी का जो मोड होता है वो स्केलर होता है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अगर आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट फोर्स का यानी फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, दैट इज f1 प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं यहां पर f1 की वैल्यू लगाता हूं। तो बेटा f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कितनी नोटेड है? 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर
और प्लस टू और बेटा एफ वन 30 जीरो, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी आपकी क्या जीरो। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 30 का स्क्वायर 900 प्लस 40 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 1600 और प्लस ये पूरी टर्म हो जाएगी जीरो। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा हमारा 2500 और 2500 का जो अंडर रूट होता है वह होता है बेटा आपका 50 न्यूटन। यानी दो फोर्सेस जिनके मैग्नीट्यूड हमको 30 न्यूटन और 40 न्यूटन दे रखे थे उनका जो रिजल्टेंट आया है। अब देखिए रिजल्टेंट को आर से ही डिनोट करते हैं लेकिन वहां रिजल्टेंट में दो हमने अलग अलग वेक्टर क्वांटिटी ली थी, यहां पर उसने बोला कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है फोर्स है। कौन सी है बच्चों फोर्स है, इसलिए हमने उसको एफ वन एफ टू माना और उनका रिजल्टेंट भी एफ नोट करा है। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। लिखता हूं बेटा मैं 2 इक्वल वेक्टर हैव देयर इक्वल रिजल्टेंट then find the angle between them। यानी बच्चों न्यूमेरिकल कह रहा है कि दो वेक्टर हैं वो आपस में इक्वल हैं और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या है इक्वल है। तब वो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सी कंडीशन है जिसमें दोनों वेक्टर्स इक्वल होने के बाद उनका जो रिजल्टेंट है वो भी इक्वल आ रहा है। इस तरह से समझिए वो कहना चाह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए हम दो वेक्टर जो है ए और बी मान लेते हैं जिनका रिजल्टेंट आर है। अब अगर हम न्यूमेरिकल पे ध्यान दें, हम क्वेश्चन पे ध्यान दें तो वो कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी और दोनों आपस में क्या है इक्वल है, यानी ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। लेकिन खास बात क्या बोल रहा है कि ये जो दो वेक्टर है वो आपस में तो इक्वल है लेकिन साथ में वो अपने रिजल्टेंट जो उनका रिजल्टेंट आर है उसके भी इक्वल है। तो ऐसा कब हो सकता है, यानी दो वेक्टर चलो इक्वल हो सकते हैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो उनके रिजल्टेंट के इक्वल है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन बनी, ऐसी कौन सा एंगल बना कि वह दोनों इक्वल हो गए। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप वेक्टर कंसीडर कर लीजिए, लिखिए लेट अस कंसीडर, यहां से इसका आंसर स्टार्ट कर देते हैं। तो लेट अस कंसीडर 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड वी वेक्टर एंड देयर मैग्नीट्यूड इज आर। अब देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि ये जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। और खास बात कि ये जो ए मतलब देखो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए होता है और किसी भी दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड बी होता है, मतलब जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर बन जाता है। यानी ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है बी के, और ये भी किसके इक्वल है बेटे आर के इक्वल है। यानी दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड या दोनों वेक्टर्स इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल ही होंगे। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इसका मतलब उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। तो दो वेक्टर जो आपस में इक्वल है वही अपने रिजल्टेंट के भी इक्वल है। तो यही पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन से एंगल पे होगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो आर अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab और इनके बीच का एंगल। इसी किस एंगल पे वो है कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड उनके रिजल्टेंट के इक्वल हो गए। चलिए आप देखिए एक ही जगह वी रख सकते हैं, वी की जगह आर, यानी इन सबको एक ही इक्वेशन में बना लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बच्चों मैं इसको सबको आर से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आर।
अभी हमने क्या बोला, न्यूमेरिकल्स भी बोल रहा है, न्यूमेरिकल भी बोल रहा है कि ए और बी जो है वो भी उनके रिजल्टेंट के इक्वल है, तो इसको ए को भी मैं क्या लिख सकता हूं, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस टू आर आर कॉस थीटा। यहां लिख देते हैं सिंस ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू, देखिए जरा ध्यान से ये कितने आर स्क्वायर हो जाएंगे, टू आर स्क्वायर प्लस के यहां कितना हो जाएगा बेटा, टू आर स्क्वायर और साथ में क्या हो गया कॉस थीटा। अब आर इज इक्वल टू यहां से क्या कॉमन ले लीजिए, टू आर स्क्वायर, दोनों में देखिए सेम सेम टर्म्स है कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसका स्क्वायर करते हैं क्योंकि एंगल निकालने के लिए एंगल बाहर होना चाहिए और खास जो है ये अंडर रूट में आ रहा है इसलिए इसको स्क्वायर कर देंगे। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, टू इधर आ जाएगा तो वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा। अब इसको वन को मैं अगर इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू माइनस वन इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब वन बाई टू में से बन गया तो कितना बचा, माइनस वन, आप एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं इधर लिख देता हूं इसको, चलिए तो यहां बचा माइनस के वन बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब बेटा देखिए कॉस में यानी कॉस थीटा में वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है बच्चों, वो वैल्यू होती है कॉस 120 की, किसकी होती है बेटा, कॉस 120 डिग्री की, अर्थात थीटा कितना आ गया 120 डिग्री, यानी दो वेक्टर्स जो आपस में इक्वल थे और उनका रिजल्टेंट भी इक्वल था, ऐसा कौन सी कंडीशन थी, ऐसी तब कंडीशन होती है जब दो सेम वेक्टर 120 डिग्री पर रखे हो तो उनका रिजल्टेंट भी इनके इक्वल हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा हाँ, एक खास बात यहां पे बोला गया है कि वेक्टर्स इक्वल है, बेटा अगर वेक्टर इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड भी तो इक्वल ही होंगे ना। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट अब डेट इज एजी बोल दीजिए। अब देखिए जरा ध्यान से बच्चों समझते हैं कि आपको एक फिगर दी है उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो देखिए जरा ध्यान से, ए बी सी डी ई एफ और जी, तो देखो देखिए डिस्प्लेसमेंट। अच्छा हाँ एक चीज और खास बात, ये यहां से यहां तक की जो ए से बी तक की डिस्टेंस है वह 2 मीटर है और बी से सी तक जो है वो 1 मीटर है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, यहां से यहां तक की बेटा 2 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर है। ठीक है बच्चों, चलिए आप देखिए जरा खास बात क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों समझने की बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका द डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यानी बच्चों स्टार्टिंग वाले पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट ए और जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है बच्चों, बी है। तो वो यही कह रहा है आपसे कि दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी मिनिमम, यानी देखो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है बच्चों, जी है। तो वो ये कह रहा है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको पहले पता होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यानी दो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बिंदु के बीच में जो डिस्टेंस होती है वह हमारी क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है।
अब देखिए जरा इसको जोड़ना जो है वो हल नहीं है, अगर हम इस मतलब आसानी से नहीं कर सकते इसको, हम ऐसे मैथमेटिक्स भी हल कर सकते हैं। कैसे? पहले आप इनके बीच में ये डायगोनल लगाएंगे, तो आप देखिए जरा ध्यान से, पहले इसको हल करेंगे, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, फिर इसमें इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, इसमें इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि देखिए तीन ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और फिर इन तीनों ट्राइंगल को देखो, जैसे पहले ट्राइंगल का डायगोनल ये हो जाएगा, दूसरे ट्राइंगल का डायगोनल ये हो जाएगा, और तीसरे ट्राइंगल का डायगोनल ये हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि हम जो है इसको ऐसे वेक्टर मेथड से करते हैं। तो बेटा देखो, वेक्टर में क्या बताया जाता है कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अब अगर नोटिस करिए, इस फिगर को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं बच्चों, देखिए बहुत अच्छे से, देखिए ये एक वेक्टर है ए बी, तो ए बी जो पहले यहां पर था, मैं इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं ए बी। अब ये जो था सी डी, इसको भी मैं यहीं शिफ्ट कर देता हूं इस तरह से सी डी, और ये जो ई एफ है इसको भी मैं यहीं शिफ्ट कर देता हूं ई एफ। तो इसका मतलब क्या है बेटा, किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। अब अगर ए बी की डायरेक्शन वो है तो यही हो गया, देखिए मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं करी, जितना एंगल पहले था उतना ही बाद में भी है, और उतना ही बेटा बाद में भी। तो देखिए जरा, ए से बी तक टू, सी से डी तक टू, और ई से एफ तक टू, तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये 6 मीटर हो गया। इसी प्रकार बी सी जो वेक्टर है उसको भी मैं ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं, तो ये बी सी हो गया, ये डी हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा, तो इसको छोटा कर लेते हैं, बड़ा ना हो जाए इस तरह से, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो बेटा ये देखो कितना हो गया आपका 3 मीटर। क्यों? देखिए ए बी को यहां शिफ्ट कराया, सी डी को शिफ्ट कराया, ई एफ को, क्योंकि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलल फॉर्म में क्या कर सकते हैं बच्चों, शिफ्ट कर सकते हैं। तो ए से बी, और सी से डी, और ई से एफ, फिर ऐसे ही इनको बी से सी, और डी से ई, और एफ से जी। तो इसको मैं एक पॉइंट मान लेता हूं, मिड पॉइंट, एम मतलब इसको मिड बोल देते हैं इस तरह से, क्योंकि मिड पॉइंट हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यानी इसको तो जी लिख देते हैं, तो फाइनल पॉइंट आपका जी, तो ए जी का जो स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका ए एम का स्क्वायर, यानी मिड पॉइंट का स्क्वायर, प्लस के एम जी का होल स्क्वायर। तो बेटा ए जी आपको डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो मिनिमम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ए जी, तो ए जी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा ए एम, ए एम की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर, और एम जी की वैल्यू कितनी है बेटा 3 के स्क्वायर, तो कितना हो गया 36 प्लस के 9, तो ए जी का स्क्वायर आ गया। अब ये हो जाएगा आपका कितना 45, तो ये हो गया ए जी का स्क्वायर। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं तो अदर साइड पे अंडर रूट चढ़ जाता है, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। आप अंडर रूट को चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहे तो ना करें, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ए जी की वैल्यू ऑलमोस्ट 6.7 मीटर आएगी, ऑलमोस्ट, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट मेडिकल पे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर ये जो ए पॉइंट इनिशियल था, और इन सब फैक्टर्स को जब मैंने ऐड करा था, तो इसको एम पॉइंट ऐड कर दिया था जो मिड पॉइंट था, और जी जो था बेटा वो फाइनल पॉइंट था। यहां पर शायद आयोग मुझे लगता है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूं, कोई इश्यू नहीं है, ये जी हो जाएगा बेटा, और ये इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आई होप, तो वो क्या कहता है फोर्थ न्यूमेरिकल, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। यानी बेटा न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर हैं, मान लो ए और बी वेक्टर हैं, और उनका क्या बोल रहा है कि उनके, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ सम, यानी दो वेक्टर्स के सम, सम मतलब जोड़, तो दो वेक्टर के जोड़ का जो मैग्नीट्यूड है
वो उन दो वेक्टर्स के डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर के योग के क्या है, बराबर। यानी दो वेक्टर का जो योग है, वो दो वेक्टर का जो योग है वो उन दो वेक्टर्स के डिफरेंस के क्या है, इक्वल है। समझ गए बातों को? तो आपको बताना है कि ऐसा कब होगा कि जब दो वेक्टर का जो सम है वो दो वेक्टर के डिफरेंस की क्या है, इक्वल है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जब वो उस एंगल पर आएंगे? तो चलिए काम करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं आंसर। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, तो लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स मान लीजिए ए है एंड वी है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, अब क्या करते हैं, वो क्या कह रहा है कि दो वेक्टर का सम। तो मान लीजिए सम को मैं किससे दिखा देता हूं, R से। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका, A प्लस B। खास बात, और वो क्या बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सम, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके इक्वल है। दूसरी बात, इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या मान लीजिए आप S, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस B। यानी दो वेक्टर्स का सम का मैग्नीट्यूड वो उनके सम के बराबर है, और दो वेक्टर्स का जो डिफरेंस है वो हमने S मान लिया इनके मैग्नीट्यूड। अब देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी इसको हम ए ऑब्लिक क्यू भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वेक्टर्स का जो सम का मैग्नीट्यूड है वो उनके डिफरेंस के क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अब एक काम करता हूं, तो मैं इसे आर की जगह क्या लिख दूंगा, ए प्लस बी वैक्टर, क्योंकि हमने लेट किया हुआ है, लिख देंगे a माइनस बी वेक्टर। एक काम करते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा। देखिए बेटा, ये है दो वेक्टर्स का सम, और दो वेक्टर्स के सम का जो मैग्नीट्यूड निकलता है वो फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी तरीके से यहां पर लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस के 2ab cos थीटा। तो बच्चों a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस के 2ab cos थीटा। इसको इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये कितना हो गया, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इन सबको इधर भेज दें, तो बेटा cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की। तो इसका मतलब यहां पे जो इनका एंगल आ गया बेटा वो आ गया 90 डिग्री। दिख रहा है आपको? चलो मैं इधर लिख देता हूं इस तरह से, cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी बच्चों न्यूमेरिकल बहुत अच्छा था, वो क्या कहना चाह रहा था कि दो वेक्टर्स हैं a और b, और उन वेक्टर का जो सम है उसका मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के, यानी दो वेक्टर है a b, उनका सम का जो मैग्नीट्यूड है वो दो वेक्टर के डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस को हमेशा क्या बोलते हैं बेटा, माइनस यानी अंतर, यानी सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION। ठीक है बच्चों? तो क्या बोला न्यूमेरिकल ने कि दो वेक्टर्स का सम का मैग्नीट्यूड दो वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के क्या है, इक्वल है। यानी दो वेक्टर का सम दो वेक्टर के डिफरेंस के क्या है, इक्वल है। दो वेक्टर का सम दो वेक्टर के डिफरेंस के क्या है, इक्वल है। फिर हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब आपको भी पता है कि किसी भी वेक्टर का एडिशन, यानी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उनके ऊपर जो मोड लगता है यानी मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, मैं न्यूमेरिकल लिखता हूं, देखिए जरा। ए मैन
20 मीटर ड्यू ईस्ट, एंड देन 20 मीटर ड्यू नॉर्थ. देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है वो 20 मीटर ईस्ट जाता है, फिर 20 मीटर नॉर्थ जाता है, तब आपको उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है. तो एक काम करता हूं, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, पहले डायरेक्शन ड्रॉ कर लेता हूं. तो बेटा ये आपका क्या होता है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ये इसकी मान लीजिए इनिशियल पोजिशन है. अब देखिए न्यूमेरिकल पे हम ध्यान दे तो वो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है वो पहले 20 मीटर कहां जाता है बेटा, ईस्ट की तरफ जाता है. देखिए जरा इस तरह से, ये इसका इनिशियल पॉइंट है O, तो 20 मीटर किधर की तरफ को गया बेटा, ईस्ट की तरफ को, ये E पॉइंट है और कितना ट्रेवल किया है 20 मीटर. उसके बाद देन 20 मीटर ड्यू नॉर्थ, यानी 20 मीटर किधर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ को. तो ये इसका 20 मीटर इस तरह से इसको नॉर्थ कर दीजिए, ये एन हो जाएगा, तो 20 मीटर नॉर्थ. अब ये व्यक्ति इस तरह से चला है तो बाद में क्या कहता है कि देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. बेटा आपको भी पता है इनिशियल पॉइंट जो था उसका ओ था और ईस्ट की तरफ गया, ये इसका मिड पॉइंट मान लीजिए, और फिर फाइनली कहां पहुंचा वो, नॉर्थ की तरफ को गया है, नॉट एग्जैक्टली नॉर्थ, यानी यहां से 20 मीटर ऐसे आकर के ऊपर गया है, तब आपको उसका क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट आपको भी पता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट. तो अगर मैं यहां से यहां तक, यानी आपको यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस बतानी है वो इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूं. और बेटा हम डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हैं, डेल्टा एस से. तो ये डेल्टा एस जो हो गया बेटा वो आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट. अब बच्चों देखो ध्यान से, अब अगर मैं इसको, देखिए इसको आप पाइथागोरस से बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वो पाइथागोरस सॉल्व करने का हमारा यहां मैटर नहीं है, हम यहां इसको किस तरह से सॉल्व करना चाह रहे हैं एज ए वेक्टर फॉर्म में. तो अगर मैं फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करूं, देखिए स्टार्टिंग में वो गया, तो यानी 20 मीटर मैंने इस तरह से फर्स्ट वेक्टर को यहां ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद 20 मीटर ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहा है. तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट वेक्टर की हेड से सेकंड वेक्टर का टेल कनेक्ट है, और जो उनका डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या है बेटा, देखो यहां से लेकर के यहां तक. और अगर मैं इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में देखूं तो यहां पर देखिए फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल है, रिजल्टेंट मतलब हमको जो फाइंड करना है, और देखिए सेकंड वेक्टर की हेड से क्या है, हेड कनेक्टेड है, यानी फर्स्ट वेक्टर एज इट इज है, सेकंड वेक्टर जो नॉर्थ वाला है वो फर्स्ट वेक्टर की हेड से कनेक्ट है, और जो इनका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब इनका जो आपका डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है वो देखिए फर्स्ट वेक्टर के टेल से और सेकंड वेक्टर के हेड से, यानी टेल टू टेल और हेड टू हेड. तो इसका मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया. और आपको डिस्प्लेसमेंट का भी क्या बताना है बच्चों, रिजल्टेंट बताना है. तो देखिए जरा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा एस इज इक्वल टू बेटा फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर प्लस सेकेंड डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट सेकेंड डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल. ठीक है बच्चों. अच्छा एक चीज और खास बात मैं आपको बता दूं बेटा, देखिए फर्स्ट हम क्या कह रहे थे, आर इज इक्वल टू फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. बेटा आर हमने ऐसे नॉर्मल जनरल वेक्टर माना था, लेकिन यहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट, तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज ईस्ट की तरफ 20 मीटर, फिर ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 20 मीटर. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है और ये हमारा रिजल्टेंट, और आपको पता है रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला यही होता है. तो देखिए बेटा फर्स्ट वेक्टर कितना है आपका, यानी फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, माफ करिएगा ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर तो है लेकिन अगर वेक्टर ऐसे है तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, बस डायरेक्शन नहीं होती है उसमें. चलिए तो ये हो जाएगा बेटा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 20 20 और बेटा कॉस थीटा. अब कॉस थीटा क्या है, एंगल किस किस के बीच का, एस वन एस टू. तो बेटा देखिए ये एस वन है और ये एस टू है, इनके बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री. तो यहां मैं लिख दूंगा कॉस 90, अगेन कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है बच्चों जीरो. तो डेल्टा एस इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 220 का स्क्वायर 400 प्लस 400 और ये आपका जीरो हो गया, यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट आ गया है इस व्यक्ति का वो आ गया है अंडर रूट 800 और 800 कितना होता है बच्चों 20 अंडर रूट 2. ठीक है बेटा, और इसकी यूनिट मीटर. ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए आप लोग.
ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपकी क्लास आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।